हाफिज गुलाम साहब, देश के अंदर मॉब लिंचिंग लगातार बढ़ती जा रही है, उसके ऊपर क्या बोलेंगे आप? देखिए, मॉब लिंचिंग की घटना आज बिल्कुल नई नहीं है। मॉब लिंचिंग की घटना बहुत पुरानी है। जब ग्रहम स्टंट को जिंदा जलाया गया था, उसे भी मॉब लिंचिंग ही कहा जाएगा उड़ीसा में। और सांप्रदायिक दंगे जितने हुए भारत में, उसमें भी हजारों की भीड़ आती थी और गांव के गांव को आग लगा देती थी, गाड़ियों से यात्रियों को उतारकर मारा करते थे धर्म और जाति पूछकर। तो ये बहुत पुरानी बीमारी इस भारत में थी और इसको केवल एक संगठन या एक पार्टी से हम नहीं जोड़ सकते। जो एक व्यवस्था है पूरी, जिसको हम मनुवादी व्यवस्था कहते हैं, उस व्यवस्था के पोषक जो भी है। अब आप देखें, ये प्रोटेस्ट हो रहा है ईवीएम के खिलाफ। अब ईवीएम का जहाँ मुद्दा है, तो ईवीएम का मुद्दा केवल हमारा तो है नहीं। ईवीएम से नुकसान तो राहुल गांधी को पहुंचा, ईवीएम से नुकसान तो अखिलेश जी को पहुंचा, उनकी पत्नी स्वयं हार गई, ईवीएम से नुकसान तेजस्वी को पहुंचा, ईवीएम से नुकसान बहन जी को पहुंचा, ईवीएम से नुकसान शरद पवार जी को पहुंचा, शरद यादव जी को पहुंचा, ममता बनर्जी जी को पहुंचा और चंद्रबाबू नायडू को पहुंचा, सबको पहुंचा, लेकिन आवाज़ हम उठा रहे हैं। तो यही हालत मॉब लिंचिंग की भी है। मॉब लिंचिंग के शिकार केवल मुस्लिम नहीं हुए, मॉब लिंचिंग के शिकार ईसाई भी हुए, आदिवासी भी हुए, मॉब लिंचिंग के शिकार दलित भी हुए, ठीक है, मॉब लिंचिंग के शिकार अब अल्पसंख्यक मुस्लिम भी हो रहे हैं। तो हम जब सब मिलकर नहीं संघर्ष करेंगे, अभी बातें तो उठ रही हैं मार्केट में, लेकिन वो जो आपस में एक वो होना चाहिए संबंध, वो हम लोगों का ठीक से जो है कोऑर्डिनेट नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण लड़ाई धारदार नहीं हो रही है। हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द जो है वो कोऑर्डिनेशन हम। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।